तो जनाब अभी तक आपने मोनोकॉट और डाईकॉट के रूट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में स्टडी कराएंगे। आज हमारा टॉपिक है डाईकॉट स्टेम। डाईकॉट स्टेम के बारे में हम डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे। मेडिकल एंट्रेंस में क्या क्वेश्चन आता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोगों ने क्या किया है, डाईकॉट स्टेम का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। स्टेम प्लांट का जो तना होता है, डाईकॉट प्लांट। ये मोनोकॉट प्लांट के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं चल रही है, हम इसमें कंपेयर करके भी दिखाएंगे मोनोकॉट और डाईकॉट में क्या डिफरेंस है। डाईकॉट और मोनोकॉट रूट में काफ़ी सिमिलरिटी पाया गया, पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेज है, आप ध्यान रखेंगे, इसको हम आगे बात करेंगे। अगर हम डाईकॉट स्टेम के बारे में स्टडी करते हैं तो डाईकॉट स्टेम में आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने काट करके दिखाया है, इसके टीएस को कट किए हैं प्लांट का, डाईकॉट प्लांट का। तो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है। जो कॉर्टेक्स है वो भी डिवाइडेड है थ्री लेयर्स में, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे बड़ा करके जूम करके देख रहे हैं। उसके बाद नीचे जो है वो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के नीचे जो भी रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो स्टीले कहलाता है। स्टेले का मतलब उसमें पेरिसाइकल भी आ जाएगा, वास्कुलर बंडल भी आ जाएगा, पिथ भी आ जाएगा। ये पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं स्टेले। तो यहाँ पेरिसाइकल हो गया, फिर फ्लोएम हो जाएगा, फिर कैम्बियम हो जाएगा, फिर जाइलम हो जाएगा, और बीच में ये जो है वो पिथ है। पिथ को हम लोग मेड्यूला भी कहते हैं। यही पिथ जो होता है वो एक्सटेंड किए हुए है। यही पिथ का पार्ट जो है मेड्यूला जो है वो एक्सटेंड किया है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यानी वास्कुलर बंडल के बीच में। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिथ जो है वो एक्सटेंड किए हुए है। तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन को आप देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा ट्रांसवर्स सेक्शन, इसके ऊपर में कुछ आउटग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। याद कीजिए प्लांट के रूट में भी ये आउटग्रोथ पाया जाता था, लेकिन उस आउटग्रोथ का नाम क्या था, रूट हेयर। यहाँ पे हम इस आउटग्रोथ का नाम देंगे ट्राइकोम। यह मल्टी सेलुलर होता है, वहाँ पर रूट हेयर यूनिसेलुलर होता था, ठीक है। जो एपिडर्मल सेल्स से, जो उसके एपिब्लेमा से रूट हेयर निकलता है, कल का वीडियो अगर आपने ऑब्जर्व किया है आसानी से तो ध्यान से आपने देखा होगा, तो उसमें आपको पता चला होगा कि यहाँ पे रूट हेयर पाया जाता था, जबकि यहाँ पे क्या है, स्टेम के केस में ट्राइकोम होता है। ट्राइकोम मल्टी सेलर है, देखिए कई सारे छोटे छोटे सेल्स मैंने बनाया है, कई सारे सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम कट कर लेते हैं और इसको कट करके हम आगे यहाँ पे जूम करते हैं, ठीक है। जूम करते हैं तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। जूम करते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल है, इसमें किस तरह का वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल होता है, कोलैटरल होता है एंड ओपन टाइप होता है। किस कंजॉइंट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। देखिए जाइलम अंदर की तरफ जाइलम हो गया, बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया, उसके बीच में आपका कैम्बियम हो गया। तो जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो ये कंजॉइंट हो गया, बीच में जो है वो कंजॉइंट हो गया, बाहर जाइलम, बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम, कोलैटरल। अच्छा, इसमें बीच में कैम्बियम है तो ओपन टाइप, तो कंजॉइंट कोलैटरल ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल डाईकॉट में होता है। मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं रहेगा तो वो क्लोज टाइप का हो जाएगा, पर होगा तो कंजॉइंट ही, ठीक है। एक अच्छा, दूसरी बात आप देख रहे हैं जो इसका जो रिंग फैशन में अरेंजमेंट है, आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि ये जो वास्कुलर बंडल है इसके रिंग में अरेंज्ड है, ठीक है। मोनोकॉट में ऐसा नहीं दिखाई देगा, मोनोकॉट में स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, जहां तहां वास्कुलर बंडल उसको मिलेगा, उसका कोई एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। मोनोकॉट में आपको ट्राइकोम भी नहीं मिलेगा, है ना। कुछ डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है उसको आपको याद रखना है, वो तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसका डिफरेंस का, है ना। एक छोटा सा डायग्राम की सहायता से दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो ट्राइकोम है ये नहीं पाया जाएगा उसके ऊपर में। इसका जो कॉर्टेक्स है वो डिवाइडेड है। आप मोनोकॉट प्लांट देखो तो उसका कॉर्टेक्स जो होता है वो डिवाइडेड नहीं होता है, सिंपली मास ऑफ पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। तो ये बातें आप समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे बच्चों आप लोग कि ये आपका जो प्लांट है ये डाईकॉट का एक छोटा सा ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन है इसी को हमने कट करके ये छोटा सा सेक्शन को हम जूम करके दिखा रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने येलो कलर से एक लेयर बनाया है जिसको हमने बोला है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होता है वो थिन होता है, वैक्सी लेयर होता है, कोटिंग लेयर होता है। ये मोनोकॉट में भी पाया जाता है, डाईकॉट में भी पाया जाता है। देखते होंगे मोनोकॉट जो पौधे होते हैं वो साइनिंग देते हैं, ठीक है। तो वो साइनिंग जो आता है वो क्यूटिकल की वजह से ही आता है।
आप उसके एपिडर्मिस के सरफेस पे, ये ट्राइकोम आपको दिखाई दे रहा है, ये एपिडर्मिस का ही स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पे कुछ कुछ स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, मैं स्टोमेटा वगैरह को नहीं दिखा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि स्टोमेटा प्रेडोमिनेंटली स्टेम लीफ में पाया जाता है, ठीक है। तो वो सब और भी हम डिटेल से बात करेंगे, जितना यहाँ पे हमने दिखाया उसको आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में आपको मिल सकता है, आपको डायग्राम, आप एनसीईआरटी को देखिए तो उसमें दिया गया है डायग्राम। तो ये जो है ये आपका एपिडर्मल सेल्स है, इसके ऊपर में ट्राइकोम्स बने हुए हैं, ठीक है। ये ट्राइकोम मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है, और ट्राइकोम का फंक्शन बता चुके हैं, सेक्रेटरी नेचर का होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस में होने से बचाता है। तो इसका कई सारे फंक्शन है, फंक्शन के बारे में अभी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके नीचे जो ये है, ये पूरा का पूरा एक कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा अगर जो रीजन है ये यहाँ से यहाँ जो है ये कॉर्टेक्स का रीजन है, ये क्या हो गया कॉर्टेक्स, ये पूरा कॉर्टेक्स का रीजन है, ठीक है। अच्छा, और ये कॉर्टेक्स के रीजन यहाँ तक आ गया, ठीक है। कॉर्टेक्स के नीचे यहाँ पे पूरा का पूरा इधर स्टेलर रीजन है, एंडोडर्मिस के नीचे जितना भी बच रहा है वो स्टेलर रीजन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो कॉर्टेक्स है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, तीन लेयर में। ऊपर में ये दो या तीन लेयर का है ना, फ्यू लेयर्स के बने हुए होते हैं, ये हो गया हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कोलन काइमा का बना हुआ है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट का जो हाइपोडर्मिस है वो कोलन काइमा का बना हुआ है, और मोनोकॉट में भी मोनोकॉट होता है, तो मोनोकॉट में ये जो होता है वो स्क्लेरल काइमेटस होता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जेंट्रल कॉर्टेक्स है, जेंट्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो पैरेंकाइमेटस नेचर का होता है, पैरेंकाइमा का बना हुआ होता है। पैरेंकाइमा में भी कौन सा पैरेंकाइमा, क्लोरेनकाइमा का बना होता है, इसमें क्लोरोफिल होते हैं और फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। बीच में दिखाई दे रहा आपको ऑयल डक्ट्स होते हैं, है ना, कुछ यहाँ पे ऑयल्स को भी सप्लाई करने के लिए डक्ट्स बने हुए रहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एंडोडर्मिस है, ठीक है। एंडोडर्मिस की क्या खासियत है, इसमें तो कैस्पेरियन स्ट्राइप लगे रहेंगे, कैस्पेरियन आपके बारे में मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि सुवेरिन का बना हुआ होता है कैस्पेरियन स्ट्राइप। ये वाटर के लिए इम्परमिएबल सब्सटेंस होता है, वाटर को पास करने नहीं देगा, अलाउड नहीं करेगा पास करने के लिए। अच्छा, इनके अंदर में स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, इसके अंदर में स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्राइप भी पाया जाता है, कैस्पेरियन सेल्स होते हैं, एंड दिस सेल्स आर फिल्ड विथ द स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन्स के द्वारा ये पूरा भरा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो ग्रीन कलर से है, मैंने इसको भी ग्रीन कलर से ही बना दिया, थोड़ा अलग कलर हमको डालना चाहिए था। तो ये जो है आपका क्या है, पेरिसाइकिल हो गया। तो ये देखिए पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस है, पेरिसाइकिल का क्या है इसका, स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। पेरिसाइकिल के नीचे ये पूरा का पूरा जो आपको सेट दिखाई दे रहा है ये वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल में क्या क्या आएगा, फ्लोएम आएगा, बीच में हो गया कैम्बियम, और नीचे की तरफ जाइलम हो गया, ठीक है। फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, ये पूरा का पूरा वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। अब ये ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल है क्योंकि कैम्बियम बीच में प्रेजेंट है, ये मैंने ऑरेंज कलर से कैम्बियम दिखाया है, तो कैम्बियम प्रेजेंट है बीच में, तो ये ओपन टाइप का वैस्कुलर। कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होगा, मोनोकॉट में आप देखोगे नहीं प्रेजेंट रहेगा, तो वो क्लोज टाइप का होगा। अब जाइलम में देखिए, बड़ा बड़ा जाइलम जो बाहर साइड में देखेंगे, आउटर साइड में, वो मेटा जाइलम है, और अंदर साइड में प्रोटोजाइलम है। तो ये कैसा कंडीशन हो गया, प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर, तो ये एंडार्च कंडीशन। इसलिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्टेम में एंडार्च कंडीशन होता है ना, स्टेम में एंडार्च कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा, है ना। जो बड़े बड़े जाइलम है मेटाजाइलम है, छोटे छोटे प्रोटोजाइलम है, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर बोले तो पिथ की तरफ। अब ये हो गया पिथ, पिथ इज द मास ऑफ पैरेंकाइमा, ये पैरेंकाइमेटस होता है। पिथ को हम लोग दूसरा नाम देते हैं मेडुला भी, तो यही पिथ एक्सटेंड कर गया है, जिसे वैस्कुलर बंडल है, तो वैस्कुलर बंडल के बीच में एक्सटेंड कर गया है ना। अब ये क्या करेगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगा, इधर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा, और ये दोनों मिलकर कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो सब बात की बात है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना गया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, इनके बीच बीच में कुछ स्पेस दिखाई दे रहे हैं, इन स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। सो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। तो यही है इसका डायग्राम, इसको आप ध्यान से समझिए, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे डाइकोट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन को लिए हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर में जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे जो है वो कॉर्टेक्स है,
कॉर्टेक्स का नीचे कॉर्टेक्स भी डिफ्रेंशिएटेड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स में भी डिफरेंट लेयर होते हैं। उसके नीचे जो है वो आपका पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल के नीचे वास्कुलर बंडल है एंड सेंटर में पिथ है। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स देन एंडोडर्मिस देन पेरिसाइकल एंड देन फ्लोएम देन कैम्बियम देन जाइलम एंड देन पिथ और मेडुला, ये सीक्वेंस है। इसको हम अब ये छोटा सा हिस्सा को आप अगर जूम करके देखते हैं तो सबसे ऊपर का लेयर जो है वो क्यूटिकल कहलाता है। इसके इसमें से एपिडर्मिस कुछ मॉडिफाई होकर के ट्राइकोम मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके जगह पे रूट के केस में जो आउटग्रोथ होता है उसका नाम होता है रूट हेयर, जो यूनिसेलुलर होता है एफीमेरल होता है जो शॉर्ट लिफ्ट होता है। यहाँ हाइपोडर्मिस, अब ये कॉर्टेक्स डिवाइडेड है हाइपोडर्मिस में, ये आपका पैरेन्काइमा का सेल्स हो गया जिसको आप जनरल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, और ये एंडोडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया। दीज आर द हाइपोडर्मिस, टू या थ्री लेयर्स पाए जा सकते हैं इसके हाइपोडर्मिस के। ये मल्टीपल लेयर का ये आपका कॉर्टेक्स हो गया, इसके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। ये आपका ऑयल डक्ट्स पाया जा रहा है, ये ऑयल डक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज द जनरल कॉर्टेक्स एंड ये आपका एंडोडर्मिस हो गया, ठीक है। एंडोडर्मिस के नीचे जो भी चीज़ है उसको हम लोग कंबाइनली स्टेले बोलते हैं, तो स्टेले पूरा स्टेले रीजन है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये ऊपर में ये इतना सा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड पेरिसाइकल। पेरिसाइकल किसका होता है? स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होता है। उसके नीचे आपका फ्लोएम हो गया, फ्लोएम के बीच में फ्लोएम और नीचे जाइलम, और फ्लोएम जाइलम के बीच में कैम्बियम हो गया, ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, ठीक है। बाहर की तरफ जो है वो देखिए यहाँ पे दिखा दिया, बाहर की तरफ मेटाजाइलम है और अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंडार्च। स्टेम में कौन सा कंडीशन होता है? स्टेम इज एंडार्च, स्टेम जो होता है वो एंडार्च कंडीशन को दिखाता है। तो एंडार्च बीच में ये पिथ है या मेडुला है, ये एक्सटेंड करके आगे की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं हाइपोडर्मिस, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, क्यूटिकल, एंडोडर्मिस सॉरी एपिडर्मिस, ठीक है, फिर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है, देन एंडोडर्मिस एंड देन पेरिसाइकल, देन फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम एंड देन पिट। तो दोस्तों हमें लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई। ये सारा जो है वो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है, पिथ भी ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, ये सब ग्राउंड टिश्यू में आता है। ये वास्कुलर टिश्यू हो गया आपका जा करके, ठीक है, और ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है वीडियो में, आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेटर आप चाहते हैं कि और भी बेटर हम कुछ करें यूट्यूब पे, तो आप हमें मोटिवेट करें हमारा प्रयास को सफल बनाने के लिए। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।